वो औरत मरी हुई गाय का गोश्त काट कर अपने बर्तन में डाल लेती है और चोरी चोरी वहाँ से भागने लगती है ताकि उसे कोई देख ना ले। भागकर वो औरत अपनी घर आ जाती है, लेकिन वो घबराई हुई थी। उसका एक बेटा था जो भूख के मारे बेहोश था। वो भागकर उसके पास आती है और बेटे को उठाती है कि बेटा उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। वो बच्चा जो कई दिनों से भूखा प्यासा था वो उठ जाता है। माँ कहती है, देखो बेटा मैं गाय का गोश्त काट कर लाई हूँ। मरी हुई गाय का गोश्त है, लेकिन क्या करें, हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं। बच्चा जब वो गोश्त खाने वाला मुँह ही ढालता है तो उसे उल्टी आने लगती है। माँ कहती है, बेटा ऐसा ना करो, यही खाने को मिला है, किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं क्या करूँगी अगर तुझे कुछ हो गया तो। वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसके बेटे की भूख की वजह से तबीयत अब बहुत ख़राब हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। किसी से मदद मांग कर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। वो अल्लाह से दुआ भी करती रही, अब वो बहुत परेशान हो रही थी। माँ तो माँ होती है, बेटे की ये हालत उससे देखी ना गई। वो कहने लगी, रुको बेटा मैं अभी कोई हल निकाल कर लाती हूँ। वो घर से निकल जाती है, गलियों में मारी मारी फिरती है, लोगों से मदद तलब करती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। वो एक नौजवान के पास जाती है, हाथ जोड़ती है और अपनी मजबूरी बताती है कि मैं गरीब हूँ, मेरी मदद कर दें। लेकिन वो नौजवान उसकी एक नहीं सुनता, कहता है कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, दफ़ा हो जाऊँ यहाँ से। वो औरत अब बेबस थी, कोई भी उसकी फरियाद सुनने को तैयार नहीं था। मारी मारी वो एक दरवाज़े पर आती है। वो घर एक शराबी का था। वो दस्तक देती है दरवाजे पर, क्या अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, सुना है कि ये सब की मदद करता है। अचानक वो नौजवान बाहर निकलता है। औरत को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके मुंह के ऊपर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उस औरत को कहने लगा, क्या बात है। वो औरत अपना सारा मसला उसे बताती है, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरा एक बेटा है, कमाने वाला कोई नहीं है, कई दिनों से मेरा बच्चा भूखा है, मेरी मदद करो। वो नौजवान कुछ सोचे बगैर उसकी बाजू पकड़ता है और उसे अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो औरत घबरा जाती है। उसे उस नौजवान के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, उसका जिस्म कांप रहा था कि ये मैं कहाँ फंस गई। आखिरकार वो औरत उस नौजवान से अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैं तुझसे मदद मांगने आई हूँ, ना कि गुनाह करने। तुझे अल्लाह देख रहा है, अगर तू मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा तो खुदा तुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं एक मजबूर औरत हूँ, तूने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की तो अल्लाह तुझे इसका अजाब देगा, ये बात तू अपने जहन में रख। ये कहकर वो जाने लगती है। नौजवान का ज़मीर जाग उठाता, औरत की बात ने उसके दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ा। वो औरत को रोककर कहता है, रुको मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता चल गया है कि मैं गलत कर रहा था। वो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि आज से तुम मेरी बहन हो, मैं तुझे पैसे दूंगा जितने की तुझे ज़रूरत हुई। वो नौजवान जल्दी से जाता है, कमरे से पैसे निकाल कर लाता है और उस औरत के हाथ में रख देता है। कहता है, तू फिक्र ना कर, तूने आज मेरी आंखें खोल दी, पूरी उम्र मैंने गुनाह किए हैं, आज तूने मुझे याद दिला दिया कि मैं गलत रास्ते पर हूँ। औरत कहती है, बेशक अगर आप मेरी मदद कर रहे हैं तो मैं आपको दुआएं दूंगी कि अल्लाह आपके सारे गुनाह माफ़ कर दे और आपको ईमान की हालत में मौत नसीब हो। वो औरत अपने मुँह से ये दो दुआएं उस नौजवान को देती है। नौजवान की आंखों से आंसू छलक रहे थे, वो बार बार माफ़ी मांग रहा था। आखिरकार वो औरत उसे माफ़ कर देती है और वहां से चली जाती है। वो नौजवान तो बहुत शराबी था, कभी कभार वो बड़े से बड़ा गुनाह करता और घर आकर वो उसने एक डायरी बना रखी थी। वो हर गुनाह जो हर रोज़ वो करता वो उस डायरी पर लिखता रहता। इस तरह उसके बहुत ज़्यादा गुनाह हो गए थे जो उसने अपनी डायरी पर लिख रखे थे। आज भी वो कहने लगा कि मैंने उस औरत के साथ गलत करने की कोशिश की, यह भी मैं अपनी डायरी पे लिखूँगा,
जैसे ही वह अपनी डायरी खोलता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसने जो पहले वाले गुनाह लिखे थे वो सारे मिट चुके थे। उसे पता चल चुका था कि ये सारा उस औरत की दुआ की वजह से हुआ है। वो बहुत खुश होता है कि मैंने उस औरत की मदद की, इस वजह से अल्लाह ताला ने मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। सुभान अल्लाह।